एक बार की बात है, किसी शहर में दीनदयाल बाबू अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहते थे। समय के साथ साथ उनके दोनों बेटों की शादी हो जाती है और जल्द ही वो दोनों बाल बच्चे वाले बन जाते हैं। दोनों भाइयों की पत्नियां बहुत ही झगड़ालू और मतलबी थी, इसीलिए वो दोनों अपने अपने पतियों को लेकर अलग रहने लगती हैं, जिस वजह से दीनदयाल बाबू और उनकी पत्नी ममता पूरी तरह अकेले हो जाते हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। कभी कभी तो रात में वो दोनों अपने बेटों और पोता पोती को याद करके रोया करते थे। फिर कुछ समय बाद दीनदयाल बाबू बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं और चार पाए पर लेटे अपनी अंतिम घड़ियां गिनने लगते हैं। नहीं नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा। बकवास मत कर, जब ले जाना था तब तो ले नहीं गया। खैर, अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव में जो हमारा घर है, वहां हमारे पूर्वजों का खजाना दफन है। मैं आजकल करता रहा, लेकिन वो खजाना नहीं निकाल पाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जाकर वो खजाना हासिल कर लो, लेकिन तुम दोनों को अपनी माँ को अपने साथ रखना होगा। अब पिताजी, अब अरे मैं जानता हूँ ये तुम दोनों को बोझ लगती है ना, लेकिन वो खजाना तुम्हारी माँ के बिना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खजाना सिर्फ घर की बड़ी औरत ही निकाल सकती है। इसलिए तुम दोनों को अपनी माँ को साथ रखना होगा। तभी दीनदयाल बाबू की बहू चंपा अपने पति अजय को कोहनी मारते हुए धीरे से कहती है, अरे क्या कर रहे हो, खजाने का सवाल है, पिताजी की हर बात में हाँ में हाँ मिलाइए ना। दूसरी तरफ चमेली भी अपने पति को यही बात कहती है। उसके बाद दोनों भाई अपनी माँ को साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसी शाम दीनदयाल बाबू हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। हमें किसी भी तरह मम्मी जी को पूरी तरह अपने काबू में करना होगा, ताकि वो खजाने का ज्यादा हिस्सा हमें दे दे। तुम ठीक कहती हो, भैया भाभी दोनों बहुत चालाक है, हमें उनसे पहले माँ को अपनी तरफ करना होगा। दूसरी तरफ अजय और उसकी पत्नी भी इसी तरह का प्लान बना रहे थे। फिर अगले दिन अजय गांव जाने के लिए एक मिनी बस बुक कर लेता है। आपकी जेब में ज्यादा पैसे उछल रहे हैं क्या, जो आपने ये बस बुक कर ली? देवर जी से भी तो पैसे लेने चाहिए थे। अरे पागल, मैंने माँ को इम्प्रेस करने के लिए अपने पैसों से ये बस बुक की है, तुम चिंता क्यों करती हो, खजाना मिलने के बाद मैं पैसे काट लूंगा। फिर वो सभी बस में सवार होकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। अजय, काफ़ी देर से हम सफ़र कर रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, ज़रा किसी ढाबे पर बस रोक कर कुछ खा लेते हैं। फिर अजय एक ढाबे के सामने बस रोक देता है। बड़ी बहू चंपा दौड़कर ममता के लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पैकेट्स लेकर आती है। ये लीजिए मम्मी जी, चिप्स खाइए और कोल्ड ड्रिंक पीजिए, आपकी सारी भूख गायब हो जाएगी। अरे दीदी, आप तो बहुत कंजूस निकली, पैसे बचाने के चक्कर में आप मम्मी जी की सेहत खराब करना चाहती हो क्या? ये लीजिए मम्मी जी, मैं आपके लिए यहाँ की स्पेशल थाली लेकर आई हूँ, मज़े से खाइए। मैं तुझसे बड़ी हूँ, इसलिए मेरे पास तुझसे ज़्यादा अकल है। ये ढाबे वाले बिल्कुल साफ सफाई से खाना नहीं बनाते, इनका खाना खाकर मम्मी जी बीमार पड़ गई तो? इसीलिए मम्मी जी के लिए मैं पैकेट बंद चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ, समझी? लीजिए मम्मी जी, आप खाइए। उधर चमेली जबरदस्ती थाली से खाना उठाकर ममता को खिलाने लगती है। अरे वाह भैया, अभी तक ऑमलेट के साथ पराठे खाने का आपका शौक गया नहीं। तो तू भी तो प्लेट भरकर अंडा मैगी खा रहा है ना, तेरी आदत भी तो नहीं बदली। आपको याद है बचपन में आप मेरी प्लेट से मैगी चुरा कर खा लेते थे, तब माँ झाड़ू से आपकी पिटाई करती थी। और तू भूल गया, जब तू पिताजी के पर्स से पैसे चुरा कर पिक्चर देखने जाया करता था, तब पिताजी तुझे पेड़ पर उल्टा लटका कर मारते थे। दोनों भाई को एक साथ हंसते बात करते देख ममता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। फिर खाना पीना हो जाने के बाद सभी बस में सवार होकर अपना सफर शुरू कर देते हैं। बस थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि तभी अजय का बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम सब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, इस बस में तो एक टीवी भी नहीं है, ऊपर से मोबाइल में नेट भी नहीं चल रहा, बोर हो गया हूँ मैं, मुझे इसी वक्त टीवी चाहिए, जाओ टीवी खरीद कर लाओ। उसे देख विजय की बेटी भी टीवी के नाम पर शोर करना शुरू कर देती है।
डैडी मुझे इसी वक्त घर ले चलिए, मुझे टीवी देखना है, सुबह से मैंने एक भी कार्टून नहीं देखा। मुझे घर जाना है। देखिए दीदी, आपके नालायक बेटे की वजह से मेरे बेटे पे जिद करने लगी, वरना अभी तक वो खामोश बैठी थी। मेरे बेटे को नालायक कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बेटा तेरी नकचढ़ी बेटी से लाख गुना अच्छा है। भगवान ने तुझे बेटा नहीं दिया था, इसीलिए तू मेरे बेटे को देखकर जलती है ना। तेरी इसी आदत के कारण हम कभी तेरे घर नहीं आते। बस बात हो गया दीदी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, अब खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। दोनों को झगड़ते देख अजय ब्रेक लगाकर बस रोक देता है। अरे मुझे शांति से बस चलाने दो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? और इन बच्चों का क्या है, इन्हें तो हर वक्त सिर्फ टीवी चाहिए। सुनो तुम दोनों चुपचाप बैठे रहो, यहाँ कोई टीवी नहीं मिलेगी। अरे नालायक, इन मासूम बच्चों को क्यों डांट रहा है? इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। तुम सब हमेशा बच्चों को अकेला छोड़कर अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हो, इसीलिए बच्चों को टीवी की आदत लग गई है। सुनो बच्चों, तुम दोनों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक बढ़िया कहानी सुनाऊंगी। हाँ माँ, वही मछली और बगुला वाली कहानी सुनाना जो तुम बचपन में मुझे सुनाती थी। मुझे वो कहानी बहुत पसंद है। इतना कहकर विजय अपनी माँ के पास बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखने लगता है। कहानी तो मैंने भी सालों से नहीं सुनी माँ, मेरा भी मन करता है कि तुमसे कहानी सुनूं, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी समय ही नहीं मिलता। लेकिन आज हम सब एक साथ हैं, चलो माँ कहानी सुनाओ, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। हाँ हाँ दादी माँ, कहानी सुनाइए। चलो माँ कहानी सुनाना शुरू करो। उसके बाद ममता एक एक कर ढेर सारी मज़ेदार कहानियाँ सुनाने लगती है। सभी ममता की कहानी सुनते हुए सफ़र का आनंद लेने लगते हैं। फिर काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार सभी अपने गाँव पहुँच जाते हैं। अरे माँ ये क्या, हमारा घर तो किसी खंडहर की तरह हो गया है। तुम सब ने कभी इस घर की सुध नहीं ली तो भला इसकी देखभाल कौन करेगा? तो आप क्या चाहती हैं मम्मी जी, हम शहर का कारोबार छोड़कर उजड़ी जगह पर रहें? अरे पैसे कमाने भी तो बहुत ज़रूरी है। हाँ मम्मी जी, भला पैसों के बिना इस दुनिया में जिया जा सकता है क्या? अरे माँ अब इस घर का कुछ नहीं होने वाला, एक ना एक दिन अपने आप टूट कर गिर जाएगा, फिर हमें क्या, हम तो यहाँ खजाना निकालने आए हैं। नहीं बेटा, बिना घर की मरम्मत कराए तुम्हें खजाना हासिल नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी कुल देवी नाराज हो जाएगी। ओहो अब ये क्या मुसीबत है माँ, हमारे और खजाने के बीच में कुल देवी कहाँ से आ गई? बेटा गांव घर में रहे होते तो तुम्हें कुल देवी का महत्व पता चलता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें घर की मरम्मत तो करनी ही पड़ेगी। भैया माँ ठीक कहती है, हमें कुल देवी को नाराज नहीं करना चाहिए, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ठीक है, मैं आज ही कुछ लोगों का इंतजाम करता हूँ जो इस घर की मरम्मत कर देंगे। विजय तू भी मेरे साथ चल, मैं अकेला गांव की धूल नहीं चाटने वाला, चल जल्दी। उसके बाद दोनों भाई मजदूरों की तलाश में निकल पड़ते हैं। चाचा हमें अपने घर की मरम्मत करवानी है, हमें कुछ मजदूर मिल सकते हैं? मैंने पहले कभी तुम दोनों को इस गांव में नहीं देखा, कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा घर कहाँ है? हम दोनों दीनदयाल बाबू के बेटे हैं, पीपल के पेड़ के बगल में जो घर है ना वो हमारा है। अच्छा शैतानो, तो तुम दोनों इतने साल के बाद गांव आए हो, याद है बचपन में तुम दोनों मेरे बगीचे से आम चुरा कर खाया करते थे, तब मैं तुम दोनों को नंगा करके तुम्हारी खूब पिटाई करता था। अरे कल्लू चाचा, आपको तो हम पहचान ही नहीं पाए, क्या अभी भी आपके बगीचे में उतने ही स्वादिष्ट आम लगते हैं? हाँ बेटा, बगीचा तो वही है और उन पर लगने वाले आम भी नहीं बदले, सिर्फ तुम दोनों बदल गए हो। चलो यही पास में मेरा बगीचा है, तुम दोनों को आम खिलाता हूँ। फिर वो आदमी दोनों भाई को अपने बगीचे में ले जाता है और उन्हें आम खिलाता है। ये आम अपने साथ ले जाओ, अपने परिवार के साथ बैठकर खाना।
फिर दोनों भाई उस आदमी का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाम तक दोनों भाई मजदूरों की व्यवस्था भी कर लेते हैं। उसके बाद मजदूर उनके घर की मरम्मत का काम शुरू कर देते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करो ना। हाँ, मुझे भी पिज्ज़ा खाना है और साथ में बर्गर भी ऑर्डर करना। अरे, ये गाँव है, यहाँ दूर दूर तक रेस्टोरेंट का नामो निशान नहीं है। अरे बच्चों को मत डांटो, मैं तुम सबके लिए बढ़िया स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। लेकिन माँ, हमारे पास तो गैस, राशन कुछ भी नहीं है, फिर तुम खाना कैसे बनाओगी? अरे बेटा, आज मैं तुम सबको मिट्टी के चूल्हे में खाना बना कर खिलाऊंगी। अभिजय, भाग कर जा अन्नकड़ की किराना दुकान से थोड़ा राशन और सूखी लकड़ियाँ लेकर आ, और तुम दोनों मिट्टी का चूल्हा बनाने में मेरी मदद करो। उसके बाद ममता अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। दोनों को ये करते हुए एक अद्भुत आनंद मिल रहा था। मम्मी जी, जब मैं छोटी थी ना, तब गांव में इसी तरह मिट्टी के खिलौने बनाकर खेला करती थी। आज मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हाँ दीदी, मैंने भी बहुत मिट्टी के हाथी घोड़े बनाए हैं। मुझे भी मिट्टी का घोड़ा चाहिए। मुझे भी घोड़ा चाहिए और साथ में एक चूहा भी। चलिए दीदी, बच्चों के लिए मिलकर खिलौने बनाते हैं। फिर दोनों देवरानी जिठानी मिलकर बच्चों के लिए खिलौने बनाने लगती है। दोनों को एक साथ हंसी खुशी काम करते देख ममता बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर के बाद बच्चों के खिलौने और मिट्टी का चूल्हा तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ विजय भी राशन और लकड़ियाँ लेकर आ जाता है। फिर ममता चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर उसकी दोनों बहुएं भी उत्सुक हो जाती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी सास के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। खाना बनने के बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन पहला निवाला खाते ही अजय की आंखें नम हो जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, तेरे चेहरे के हाव भाव बदल गए, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? माँ, तुम्हारे हाथों का खाना अच्छा कैसे नहीं होगा? माँ, बचपन में तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, बस वही सब याद आ गया, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। अरे अभी मैं जिंदा हूँ, आजा मेरे पास, तुझे आज मैं फिर अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। फिर अजय के साथ साथ विजय भी थाली लेकर ममता के पास आ जाता है। माँ, मैं भी तुम्हारे हाथों से खाना खाऊंगा। आजा बेटा, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगी और तुम्हारे बच्चों को भी। चलो सब मेरे सामने गोला बनाकर बैठ जाओ। उसके बाद ममता चारों को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। ये सब कुछ देखकर दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराने लगती है। उसके बाद सभी मजे से पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, माँ शाम तक हमारे घर की पूरी तरह मरम्मत हो जाएगी। हाँ, उसके बाद हमें खजाना मिल जाएगा। तभी घर के सामने से एक आदमी हाथी के साथ गुजरता है। देखो भैया, रामू चाचा, याद है बचपन में हम इनके हाथी पर बैठकर पूरे गांव की सैर किया करते थे? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार तो तू गिर गया था, तब मैं अकेला तुझे अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल ले गया था, भूल गया क्या? नहीं नहीं भैया, बचपन में आप मेरा कितना ख्याल रखते थे, भला ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन अब आप पूरी तरह बदल। ये कहते कहते वो रुक जाता है। चलिए भैया, आज फिर से हाथी पर बैठकर गांव की सैर करेंगे। हाँ, और साथ में हम नदी के किनारे भी जाएंगे। फिर दोनों भाई अपने बच्चों के साथ हाथी पर सवार हो जाते हैं और पूरे गांव की सैर करते हैं। दूसरी तरफ ममता अपनी दोनों बहुओं को गांव घुमाने ले जाती है। शाम होते होते घर की मरम्मत का काम भी खत्म हो जाता है। चलो, हमारे घर की मरम्मत तो हो गई। छोटी बहू, तू जाकर कुएं से पानी लेकर आ। कुएं से पानी निकाल तो लेगी ना? हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करिए। उसके बाद चमेली बाल्टी लेकर कुएं पर पानी भरने पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक कुएं के पास मौजूद बिल के अंदर से एक बड़ा काला सांप बाहर निकल आता है। सांप को देखते ही चमेली की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो डर से पीछे हटने लगती है, लेकिन सांप चमेली की तरफ आने लगता है। सांप, सांप बचाओ! तभी चंपा डंडा लेकर वहां आ जाती है और डंडे से सांप पर वार करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में सांप ढेर हो जाता है। उसके बाद चंपा घबराई हुई चमेली को गले लगा लेती है। देख देख, मैंने उसे मार दिया, चल चुप हो जा, चुप हो जा, मेरे रहते कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद दोनों कुएं से पानी निकाल कर ममता के पास ले जाती है। फिर वे तीनों पानी से घर अच्छी तरह धो देती है। चलो माँ, जल्दी से नीचे तहखाने में चलो।
ये देखो मैं कुदाल और हावड़ा लेकर आया हूँ, क्या पता हमें कितनी खुदाई करनी पड़े। उसके बाद वो सभी घर के नीचे तहखाने में चले जाते हैं। फिर ममता का इशारा करने पर अजय और विजय एक जगह पर खुदाई करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें वहाँ एक बक्सा मिलता है। यस, मालिया मैदान। चलो भैया जल्दी से इस बक्से का ताला तोड़ो, हीरे मोती और अशरफिया देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। लेकिन उस बक्से को खोलते ही उसके अंदर सिर्फ एक सफेद कागज मिलता है जिस पर लिखा था, मेरा असली खजाना मेरा परिवार है। मेरी यही इच्छा है कि मेरे मरने के बाद तुम सब मिलजुल कर साथ रहो। नीचे दीनदयाल बाबू के हस्ताक्षर थे। कागज पर लिखी बात पढ़कर अजय और विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, मैं पिताजी के बारे में गलत सोचता था, वो तो जीनियस निकले। हमें एक करने के लिए उन्होंने क्या तरकीब लगाई। हाँ भैया, पिताजी सफल हो गए। आप मेरे बड़े भाई हो और ये मेरी माँ है। मैं मरते दम तक आप दोनों के साथ रहूँगा। हाँ मेरे भाई, मैं भी यही चाहता हूँ। मम्मी जी, हम दोनों यहाँ खजाने की लालच में आई थी, लेकिन अब हमारी आँखें खुल गई हैं। हाँ मम्मी जी, अब हम सब मिलजुल कर हमेशा साथ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वाह, इसका मतलब मुझे रोज़ दादी से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हाँ उल्लू, दादी हमें रोज़ अच्छी अच्छी कहानी सुनाएगी। तूने उल्लू किसे कहा? ठहर जा, मैं बताता हूँ। दोनों बच्चे एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। इस तरह दीनदयाल बाबू अपनी समझदारी से अपने टूटे हुए परिवार को फिर से एक कर लेते हैं। मैगी एक शादीशुदा लड़की थी, लेकिन उसके ख्वाब इतने ऊंचे थे जहां तक उसका पति उसे नहीं ले जा सकता था। नतीजा देखो, मैं तो चली सारे गहने बेचकर अमेरिका, वहीं जाकर नई दुनिया बसाऊंगी। मैंने तो पहले ही बोला था, इन गरीबों से शादी करके कुछ नहीं मिलेगा। कैसी बात कर रही है सासू माँ, आप लोग खुद आए थे हम लोगों के घर शादी के लिए रिश्ता लेकर। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे पिता की सरकारी नौकरी देकर, वरना हम लोगों के लिए रिश्ते की कोई कमी नहीं थी। मैगी सब छोड़कर विदेश तो चली जाती है, लेकिन वहाँ बन जाती है लुटेरी दुल्हन। एक रोज टीवी पर, नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर देश को भी अपने अकल और चालाकी के आगे झुका लिया। ध्यान से देखिए इस लड़की को, जो अमेरिका के अमीर लड़कों से शादी करती है और अगले दिन ही उन्हें लूट कर भाग जाती है। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं, ये लड़की तो बड़ी शातिर है। तभी वहाँ प्रशांत आ जाता है। माँ, क्या सारा दिन ये खबरें देखती रहती हो? अरे बेटा, बाहर की लड़कियाँ बहुत चालू होती है, ये लोग किसी का घर नहीं बसा सकती। माँ, मैं तो बाहर ही शादी करूँगा, बाहर की लड़कियाँ बहुत अच्छी है। वैसे तुम कौन सी खबर देख रही थी? अरे कुछ नहीं बेटा, वो कोई लुटेरी दुल्हन की थी। प्रशांत माँ से ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। वो ऑफिस की तरफ जा रहा होता है कि उसे एक लड़की मिलती है। ही हैंसम, ये इंडिया में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? मैं कब से कार का वेट कर रही हूँ। मैम, आपको कहाँ जाना है? जहाँ भी सुकून मिल जाए। मैं अमेरिका से माँ पापा के पास से भाग कर आई हूँ, वो लोग मेरी शादी करवा रहे थे। अमेरिका से भाग कर आई भी तो कहाँ, भारत। अरे यहाँ के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है मैम। अरे मैं तो इंडियन ही हूँ, बस कुछ 20 सालों से वहाँ रह रही हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए जाना कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ। अब क्या था, दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों मिलने जुलने लगते हैं। बेटा, शादी के लिए सौम्या नाम की लड़की के पापा मिलना चाहते हैं। सभ्य समझदार लड़की है, इंग्लिश से एमए भी किया है। अरे माँ, मैं तो तेरे लिए ऐसी बहू लाने की सोच रहा हूँ जिसने इंग्लिश में एमए नहीं बल्कि पूरा इंग्लिशदान ही अपने नाम कर लिया हो, यानी कि अंग्रेजन बहू। अरे बस कर बेटा, गंगा जमुना में डुबकी लगाने की उम्र में क्या बिकनी वाली बहू दिखाएगा मुझे। प्रशांत, जो कि अब पूरी तरह से लुटेरी बहू के कब्जे में था। माँ, तू एक बार मिल तो ले, बड़ी ही अच्छी लड़की है,
मैं तो उसे लेकर अब घर ही आऊंगा। वैसे भी उसके सारे परिवार वाले बाहर विदेश में रहते हैं, तो उसका तो यहाँ मेरे सिवा कोई है ही नहीं। प्रशांत उस लड़की को लेकर घर आ जाता है। अब तेरा चेहरा कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। अरे माँ, ये इतनी सुंदर है कि समझ लो हर हीरोइन इसी की तरह दिखती है। बेटा, कहीं तू अमेरिका से तो नहीं ना? लड़की समझ जाती है कि बुढ़िया ने टीवी के समाचार में उसकी खबर भी देख ली है। जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो भारत की ही हूँ, मेरी बोली भाषा। अच्छा, तब तो ठीक है, वरना तेरा चेहरा तो क्या। माँ, फिर से शुरू हो गई सनसनी तुम्हारी, चैन से सोना है तो जाग जाओ। वैसे मैगी है तो भारत की, लेकिन कई सालों से विदेश में, यानी कि अमेरिका में रहती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैगी प्रशांत के घर में रहने लगती है। अरे, इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? सब आज इतनी सुबह जल्दी उठ गए, सब ठीक तो है ना? कैसे ठीक है? अरे भाई, सुबह के 10 बज गए हैं, तू अब उठ रही है? हम तो 4 बजे ही उठ जाते हैं। हमें तो कोई ऐसी लड़की चाहिए जो लेट से लेट 5 बजे तक तो उठ ही जाए। मैगी समझ जाती है कि सास को पटा कर नहीं रखा तो जिस लूट के मकसद से वो वहाँ आई है वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो मैं कह रही थी कि... हाँ, क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि बाहर के देशों में और भारत के टाइम में वक्त है ना, वहाँ का दिन यहाँ की रात वहाँ का दिन। तो क्या है कि आदत नहीं हो पा रही है जल्दी उठने की, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास को लगता है कि लड़की माफ़ी मांग रही है तो काफ़ी अच्छी है। अरे बहू, इतनी पढ़ी लिखी तो मैं हूँ नहीं, ये तो पता है कि टाइम का फ़र्क होता है, लेकिन कितना होता है ये नहीं जानती हूँ। माँ जी, मैं तो वहाँ 4 बजे ही उठ जाती थी, लेकिन वहाँ का 4 यहाँ का 10 है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू आराम से सो जा, जब भारत की आदत हो जाएगी ना तो अपने आप नींद 4 बजे खुलने लगेगी। बहू धीरे धीरे सास को अपने जाल में फंसा लेती है। सासू माँ, आपकी शादी में कितना जेवर चढ़ा था? सास शेखी के साथ कहती है। अरे मेरी शादी तो किसी रजवाड़े से कम ना थी, जेवर से मुझे लाद कर मेरे पापा ने ससुराल भेजा था। ओह, तब तो सारा गहना बैंक में ही रखा होगा। अरे नहीं नहीं, सब मेरी अलमारी में है, और चाबी मैंने दीवार के अंदर रखी है, ऊपर से कैलेंडर लगा दिया, किसी को शक भी नहीं होगा। रात में बहू अपने पति से कहती है, तुम्हारा तो बिजनेस है, सारा कैश का ही काम होता होगा ना, तो कैश कहाँ रखते हो? रोज रोज बैंक जाते हो क्या? अरे नहीं नहीं, रोज बैंक तुम्हारे विदेश में जाया करते होंगे। हमारे यहाँ तो हम लोग सारा कैश घर में ही रखते हैं। वो दो छत्ती देख रही हो, उसी में एक बक्सा है, रोज सारा कैश मैं उसी में डाल देता हूँ। बस फिर क्या था, एक दिन आप दोनों के लिए मैंने ये पिज्जा बनाया है। आप लोगों का खाना तो मैं रोज खाती हूँ, कभी मेरे देश का खाना खाकर भी देखिए। देखा माँ, ये होता है फायदा विदेशी बहू का, कैसे स्वादिष्ट सब्जी के साथ रोटी को पकाया है। अब क्या नाम बताया? पिज्जा। ला ला बेटा, गांव की याद आ गई इसे देखकर। दोनों पिज्जा खाते हैं और फिर बेटा, बड़ी जोर से नींद आ रही है, अभी तो सोकर उठी थी, समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी नींद कैसे आ रही है। माँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी कमर सीधी कर लूँ। दोनों माँ बेटा सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नींद खुलती है, अरे बहू जरा चाय तो लाना, सर फटा जा रहा है। अरे कहाँ है मैगी? सास की नज़र जैसे ही सामने दीवार पर पड़ती है, कैलेंडर दीवार पर नहीं होता और अलमारी भी खुली होती है, वहीं पति का संदूक भी टेबल पर रखा होता है। माँ, वो तो चली गई सारा कैश लेकर। हाँ हाँ, और जेवर भी ले गई,
और कर ले विदेशी से शादी। हाय।